The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, agar aap vitamins lete hain to aapke liye ye video bahut zaruri hai. क्या मल्टी वाइटामिन्स काम करते हैं? क्या कई लोग कहते हैं वो काम नहीं करते, कई लोग कहते हैं भाई ज़रूरी है, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है आज हम बात करेंगे. क्योंकि मल्टी वाइटामिन्स एक्चुअली दुनिया के सबसे कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं, राइट. और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग काफ़ी सारे लोग जो है बिलीव करते हैं जो मल्टीविटामिन. और एक्चुअली में काफ़ी सारी स्टडीज़ में भी यह है कि मल्टीविटामिन से काफ़ी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी. अगर डाइटरी हैबिट पुअर, ईटिंग हैबिट्स पुअर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है और आपके क्रोनिक डिजीजेस के रिस्क भी कम हो सकते हैं. हाउएवर, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा वंडरफुल और चमत्कारी इफेक्ट आ जाएगा, जैसा कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है. कुछ वाइटामिन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ चमकदार चीज़ें, कुछ ऐसा जैसे वंडर प्रोडक्ट्स ऐसे बना दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, राइट. सो मल्टी वाइटामिन्स में एक से ज़्यादा वाइटामिन्स हो सकते हैं और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं. आपको हमेशा उनका लेबल पढ़ना ज़रूरी है और उसमें टैबलेट, कैप्सूल, च्यूएबल, गमीज, पाउडर, लिक्विड हर फॉर्म में वो आ सकते हैं. ये सप्लीमेंट्स होते हैं मल्टी विटामिन में. जो 13 विटामिन्स टाइप के हैं, 16 मिनरल्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है. 13 विटामिन्स एंड 16 मिनरल्स जो आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है. और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट है मल्टी विटामिन्स, जो के कई सारे जिसमें एक्स्ट्रा हर्ब्स भी डाले जाते हैं, अमाइनो एसिड्स भी डाले जाते हैं, फैटी एसिड्स भी डाले जाते हैं. सो मल्टी विटामिन कंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये आपको समझना है. अब बात समझते हैं कि कौन सी चीज़ों में इसका फ़ायदा होता है, राइट. आज हम किसी एक मल्टी विटामिन के बारे में भी बात करेंगे और आज हम आपको जनरलाइज मल्टी विटामिन के बारे में बता रहे हैं. देखो, दुनिया भर में सबसे बड़ा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में कई सारे विटामिन्स का रोल देखा गया है, राइट. कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि एक जनरल मल्टी विटामिन लेने से हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में कोई रिस्क कम नहीं होता, लेकिन कुछ टाइप के मल्टी विटामिन्स हैं जो इसका रिस्क एक्चुअली कम करते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, कोएंजाइम क्यू और ऐसे सारे कुछ स्पेशल विटामिन्स हैं, जो कोक्यूटेन जो हमने आपने सुना होगा वो, और ऐसे कई सारे अच्छे विटामिन्स हैं जो हार्ट के रिस्क एक्चुअली में कम करते हैं. कैंसर के रिस्क की बात करें तो कई सारे विटामिन्स हैं जो कैंसर का रिस्क कम करते हैं, उसमें तो अच्छा खासा है विटामिन सी, ओमेगा 3, राइट. सो ऐसे कई सारे विटामिन्स हैं जो एक्चुअली, B12 बहुत ज़रूरी होता है. तो सम विटामिन्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, बाकी के कुछ सारे हैं जो उसमें कोई बेनिफिट नहीं देते, राइट. और ब्रेन फंक्शन की बात करें तो इसमें भी कई सारे विटामिन्स डिप्रेशन कम कर सकते हैं, आपके ब्रेन फंक्शन, आपका मूड, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और कुछ सारे विटामिन्स हैं जो उसमें काम नहीं करते. इसमें भी आपके पास विटामिन ओमेगा 3 बहुत काम करेगा, B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेनियम इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है. थायराइड के लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपका, विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके इस टाइप के एक बीमारी के लिए, आँखों के, मेमोरी के, मूड के, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और कुछ विटामिन्स की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी भी हो सकती है. तो विटामिन्स बहुत ज़रूरी है. लेकिन विटामिन्स क्या है? वाटर सॉल्युबल भी आते हैं, फैट सॉल्युबल भी आते हैं. तो ऐसे ही किसी न किसी विटामिन्स का सेवन आप भी कभी ना कभी तो कर ही चुके हैं या करते रहते हैं. तो क्या आपको विटामिन लेना चाहिए? सीधी बात है, मल्टी विटामिन सबके लिए नहीं होते, लेकिन ये हर एक को हार्म भी नहीं करेंगे, राइट. लेने से कोई नुकसान भी नहीं. हाउएवर, जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है, जब भी कोई ओल्डर एडल्ट है, जैसे कि उम्र ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनमें क्या होता है, B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कैल्शियम विटामिन डी की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो उनको B12, मल्टी विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है. एनर्जी लेवल अगर कम हो जाए तो कोएंजाइम क्यू, एल-कार्निटिन, ऐसी चीज़ें, ओमेगा 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेगन्स और वेजिटेरियंस के लिए, अगर वेगन है, वेजिटेरियंस हैं, तो आपके लिए B12 बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर नहीं होगा, प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं मिलता है उनको,
तो B12 से कैल्शियम B12 भी नहीं मिलेगा उनको, B12 डेफिशिएंसी से नसों की दिक्कत, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम, सुनपना, टिंगलिंग, नमनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन डी, ओमेगा 3 ये सारे नॉन वेजिटेरियन फूड से ज़्यादा मिलते हैं। तो अगेन वेजिटेरियंस वेगन्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर दूध भी नहीं लेते हो वेगन हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको और ज़्यादा विटामिन्स चाहिए, अगर उस समय आपके विटामिन्स कम हो जा रहे हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आएगी। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये सीधी सीधी बात समझ में आती है कि यस, अगर हम वीकनेस फील करते हैं या हमें लगता है कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट जा रहे हैं वो बेस्ट नहीं है, तो हम विटामिन बिल्कुल ले सकते हैं। और ऐसे में कई दुनिया भर के भिन्न भिन्न प्रकार के हजारों विटामिन्स बिखरे पड़े हैं मार्केट में। टेक्निकली बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, टेक्निकली द बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक मल्टीपल विटामिन्स, मतलब चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हर विटामिन में कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होती है, कभी वो चीज़ ज़्यादा होती है। तो हमें एक आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि आप एक विटामिन लीजिए कुछ दिनों तक, यानी और अगर आपकी डेफिशिएंसी आती है किसी भी चीज़ की तो उसके विटामिन्स तो आपको फिर हैवी डोज में लेने पड़ सकते हैं डेफिशिएंसी पूरे करने के लिए, कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक। उसके बाद फिर आप हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, अल्टरनेट डे या डेली भी एक विटामिन मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं। तो आज हम ऐसी एक विटामिन के बारे में बात करेंगे, ये है न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन विद आयोडीन। सो न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन है ये, और वाई दिस इज़ गुड, ये वंस अ डे काइंड ऑफ फार्मूला बनाया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे हैं 12 हेल्थ विटामिन्स हैं, हेल्थ मिनरल्स हैं, हर्ब एक्सट्रैक्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, इसमें जो स्पेशल चीज़ें हैं वो एक कोएंजाइम Q10 है, ये कोएंजाइम Q10 अपने आप में नॉर्मल विटामिन्स में नहीं होता, आयोडीन है, आयोडीन भी एक नॉर्मल विटामिन में नहीं होता, थायराइड के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है और थायराइड फंक्शन, थायराइड में जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए काफ़ी बेहतर, एडिशनली बेहतर माना जाएगा। और कोएंजाइम Q10 वीकनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ऑल्दो कोएंजाइम Q10 के चलते अगर आप कोई CoQ10 का अलग से विटामिन लेंगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका रेट कंसिडरेबली काफ़ी कम है। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्काउंट्स भी देख सकते हैं इसके। सो दिस इज़ हैविंग गुड अमाउंट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन्स हैं, वी हैव सी, वी हैव विटामिन ए, बाकी पूरे मिनरल्स में हमारे पास 8 अलग अलग मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, ये सारे हैं, साथ में कोएंजाइम Q10 है, कोलीन है और वी हैव सम हर्ब्स ऑल्सो, जिसमें कोरियन जिनसिंग है, जिंको बिलोबा है और वी हैव सम अदर वेरी नाइस प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ये अच्छा है, दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, सो दिस इज़ वन गुड ऑप्शन इन द मार्केट विच यू कैन चूज। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू, बिकॉज अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसी का ओमेगा 3 हम यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं, अभी 3 डब्बे और पड़े हमारे पास, सो हम ये यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ शोइंग गुड रिजल्ट्स, राइट, थोड़ा बहुत हमारी एनर्जी लेवल अभी बढ़ गई है। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट विच यू कैन यूज़, इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, राइट। और इसमें अच्छी बात है, इसमें के विटामिन्स नहीं है, विटामिन के ज़्यादा लेने पे हमारे पे थोड़ी कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो विटामिन के भी देखना ज़रूरी हो जाता है। और जिंक्सिन जैसी चीज़ें, तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये आपके ब्रेन के लिए, ब्लड के लिए, आई के लिए, थायरॉयड, हार्ट, डाइजेशन, बोन, इनके आपके स्पोर्ट्स के लिए, मसल्स के लिए, गेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यही लेना है और कोई नहीं लेना, ऐसा नहीं है, अच्छे और भी विटामिन्स हैं। तो हमेशा विटामिन्स के आपने इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करना है, अगर एनर्जी लेवल कम महसूस करते हो, अगर थायराइड प्रॉब्लम है, अगर ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें एक ही में पानी है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, दिस इज अ गुड ऑप्शन विच यू कैन सी। न्यू हर्ब्स हैज अ गुड क्वालिटी ऑल्सो, इनका ओमेगा 3 के बारे में हमने बताया था आपको, ओमेगा 3 इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, अच्छा हाई डोज में है, हाई पोटेंसी में, सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इसमें ओमेगा 3 नहीं है, सो ओमेगा 3 और ये साथ में लेंगे तो और भी अच्छा इफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर।
सो ये हो गया एक विटामिन्स के बारे में, क्यों विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन से कोई चमत्कार नहीं होगा, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी होगी। अगर आपको कोई सिम्टम है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है तो विटामिन लेने से आपको आराम आ जाएगा। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ऑल इन ऑल विटामिन्स लेके देखा जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कई सारी बीमारियों में पहले विटामिन दे दिया जाता है, खासकर वीकनेस हो, सुनपना हो, बॉडी में कोई भी किसी प्रकार में पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, तो इसमें विटामिन जरूर दिए जाते हैं। B12 और ओमेगा 3, विटामिन डी, कोएंजाइम Q10 और ऐसे हर्ब्स जो जिनसिंग एंड ऑल, वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। सो आप भी ट्राई करो, देखो कैसा महसूस होता है, खा के देख सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके लो। कोई और विटामिन पड़ा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, मिक्स इट अप। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन ये एक दिन वो, खाना की नहीं, खाना खाने के बाद वंस अ डे कोई भी टाइम ले सकते हैं। रात को सबसे अच्छा होता है, और डिनर के बाद, या फिर कोई भी टाइम ले सकते हैं। और कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ, एक महीना ये एक महीना वो, ऐसे चेंज करते रहते हैं। कई बार अगर रोज़ रोज़ लेने में कई दिन हो गए तो फिर कुछ दिन गैप लेके या एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के ले सकते हैं। इस तरह अपने बॉडी को विटामिन्स देते रहिए, कभी ये कभी वो, दैट हेल्प्स। ऑलराइट, दैट्स माय ओपिनियन। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।